NH80 का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, उसका भी जीर्णोद्धार होना है। 10 मीटर का रोड वो भी बनना है। महाराष्ट्र की कंपनी को मिल चुका है और उम्मीद है कि ये काम शुरू कर अक्टूबर माह के लास्ट तक में काम शुरू होना, चूंकि बरसात का मौसम भी। दशकों से अपने तारनहार की बाट जो रही है NH80 का जीर्णोद्धार होने वाला है। मुंगेर से मिर्जा चौकी 120 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा और कहीं कहीं पर बीच में PCC सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 10 मीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। 971 करोड़ के प्रोजेक्ट पर मुहर लगी है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद की AG कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका ठेका लिया है। अक्टूबर महीने से इसका काम शुरू हो जाएगा। हालांकि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहा गया था कि काम जो है जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में बाढ़ आने के बाद काम शुरू नहीं हो सका था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर में जो इसका काम है, चौड़ीकरण का कार्य और इसके जीर्णोद्धार का कार्य जो है मुंगेर से मिर्जा चौकी तक शुरू हो जाएगा और इसमें एक साल तक का वक्त लगेगा, क्योंकि बीच में जो है PCC सड़क का निर्माण किया जाना है। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर NH80 पर बाढ़ का पानी चढ़ता है, वहाँ पर PCC सड़क का निर्माण होगा और कहीं जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर गोलंबर का निर्माण होना है, तो इसको लेकर एक साल तक का वक्त भी लगेगा और सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाना है। नोटिस दे दिया गया है, अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दे दिया गया है कि मुंगेर से जो मिर्जा चौकी तक है, ये जो भागलपुर का जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर भागलपुर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है कि जो अतिक्रमण है NH80 के बगल में उसे हटा दिया जाए ताकि चौड़ीकरण करने में परेशानी ना हो। बता दें कि ये सड़क जो है दशकों से लगातार जो है स्थिति बदतर थी। यहाँ पर 35 से 40 हज़ार गाड़ियाँ रोज चलती है और यही वो सड़क है जो मिर्जा चौकी और झारखंड के कई जिलों को जोड़ता है। बनने के बाद यहाँ की सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। लोग जो हैं उनसे यही सुनने को मिला है कि हम लोग जब से होश संभाले हैं, बुजुर्गों ने भी यही कहा कि जब से होश संभाले हैं सड़क को जर्जर ही देखा है। लेकिन अब उम्मीद जगी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद जगी है कि अब जो है इस सड़क का जीर्णोद्धार हो जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा सड़क का जीर्णोद्धार अगले साल तक हो पाता है या नहीं। जैसा कि कहा गया है कि अगर कोई बाधाएं नहीं आई तो फरवरी मार्च 2022 तक ये सड़क चलने लायक हो जाएगा। उसका भी जीर्णोद्धार होना है। 10 मीटर का रोड वो भी बनना है और जगह जगह जहां पानी लगता है, खास करके आपका जो सबौर की तरफ जो हम लोग जाते हैं अकबरनगर वाले पोर्शन में, तो वहाँ PQC का काम होगा जो ढलाई वाला रोड होता है, ताकि बारिश के पानी से या अगर नदी का पानी आता है तो उससे जो है रोड ख़राब नहीं हो। और इसमें कई जगहों पर नालों का भी प्रोविज़न है, तो वो सारी का उसमें भी टेंडर फाइनल हो गया। बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा और NHAI के द्वारा 4 लेन का भी निर्माण 1 से 1.5 महीने में वो भी शुरू होगा। पर मीडिया के माध्यम से जान ही रहे हैं कि टेंडर महाराष्ट्र की कंपनी को मिल चुका है और उम्मीद है कि ये काम शुरू कर अक्टूबर माह के लास्ट तक में काम शुरू होना, चूँकि बरसात का मौसम भी है, भादों का महीना भी है, अभी सभी लोग रोड पर ही बसे हुए हैं, फिर पानी का माँ गंगा की कहर से लोग फिर कहराने लगे हैं, तड़पने लगे हैं पानी बढ़ने के कारण। पानी का जैसे कम होगा गंगा में, इसके बाद काम का स्टार्टिंग, तब तक में तो 2-1 महीने के बाद काम का भी स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा और समय से अंदर काम हो, इस पर हम कड़ाई से पेश आएंगे, काम करेंगे। और आपका 4 लाइन भी लगभग सब कुछ टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरा ही लगभग कर चुका है, वो भी हमको लगता है कि बहुत जल्द वो भी अपने समय पर ही पूरा कर लिया जाएगा। सर एक और विक्रमशिला। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य प्रारंभ हो गया। प्रखंड में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए समय निर्धारित किया गया था, जिसकी मतदान तिथि 29 सितंबर रखी गई है। नामांकन कार्य 7 सितंबर से 13 सितंबर तक होना है। नामांकन के प्रथम दिन कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें मुखिया पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, सरपंच पद के लिए 3 एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 1 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। वार्ड सदस्य के लिए कुल मिलाकर 9 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। पंच के पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। प्रत्याशियों को कोई परेशानी नामांकन के दौरान ना हो, इसके लिए प्रखंड कार्यालय की तरफ से मे आई हेल्प यू काउंटर बनाया गया था।
जिसमें 14 पंचायत के लिए 28 शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। हर पद के नामांकन के लिए अलग अलग काउंटर बनाकर लोगों का नामांकन कार्य कराया जा रहा है। पहले दिन के नामांकन में साजंगी पंचायत से बीबी जूली, सन्हौली पंचायत से अशोक शाह, सोनूचक से पूनम देवी ने मुखिया प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। पहला दिन होने के कारण कुछ कम प्रत्याशी पहुंचे थे, वहीं उम्मीद की जा रही है कि कल और परसों प्रखंड कार्यालय परिसर में अधिक लोग नामांकन कराने पहुंचेंगे एवं पूरा परिसर 13 सितंबर तक लोगों से भीड़ भड़ा नजर आएगा। सारे कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी तरुण कुमार केसरी के निर्देशन में सम्पन्न हो रहा है। भागलपुर में बाढ़ की विभीषिका के कारण हुए क्षति का आकलन करने केंद्रीय टीम दरभंगा से हवाई मार्ग से भागलपुर पहुंची, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची केंद्रीय दल नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड के धरारा गांव आकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची, जहां केला, पपीता, हरी मिर्च सहित कई फसल का बाढ़ से हुई क्षति का निरीक्षण करने के बाद वहां पर मौजूद लोगों के अलावे स्थानीय पदाधिकारियों से इस विषय में जानकारी हासिल की। केंद्रीय टीम के साथ भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, अपर समाहर्ता भागलपुर राजेश झा राजा, नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल, डीसीएलआर परमानंद शाह के अलावे कई अधिकारी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। यूतू बिहार सरकार ने प्रदेश में बाढ़ से अब तक हुई क्षति का प्रारंभिक आकलन कर लिया है और सोमवार को बिहार पहुंची केंद्रीय टीम के समक्ष बिहार सरकार ने अब तक 3764 करोड़ रुपए के जानमाल के नुकसान का प्रारंभिक ब्यौरा दिया है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 1470 करोड़ का नुकसान उनके विभाग से जुड़ा है, जबकि कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 661 करोड़ की खेती चौपट हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम भागलपुर की जिला स्कूल मैदान हेलीकॉप्टर से पहुंची, जिसके बाद केंद्रीय टीम डीआरडीए परिसर स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर, बेगूसराय और खगड़िया के जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ बाढ़ के कारण हुए क्षति की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के द्वारा बाढ़ के कारण हुए क्षति का ब्यौरा केंद्रीय दल के समक्ष प्रोजेक्टर के माध्यम से पेश किया गया। उसके बाद केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नौगछिया में हुए बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने रवाना हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक दीपेंद्र कुमार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग डीआरडीए पटना निदेशक डॉक्टर मान सिंह, जल शक्ति मंत्रालय बिहार के निदेशक संजीव कुमार सुमन, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय बिहार के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप कुमार लाल, ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव शैलेश कुमार मौजूद थे। हम आपको बता दें कि 2017 में केंद्र से 1700 करोड़ की मदद मिली थी, 2019 में करीब 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता केंद्र से मिली थी और 2020 में केंद्र सरकार से 1255 करोड़ की मदद बाढ़ आपदा पीड़ित के समय मिली थी। देखिए, आप लोग अवगत हैं कि जो सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल जो एक टीम होती है, उस टीम का भ्रमण था जिसमें एक संयुक्त सचिव रैंक के पदाधिकारी उसको हेड कर रहे थे। तो कल वो टीम का भ्रमण दरभंगा में था, वहाँ भी कई जिलों का प्रेजेंटेशन हुआ। आज उसी क्रम में भागलपुर में खगड़िया और बेगूसराय के जिला पदाधिकारियों द्वारा भी जो बाढ़ को लेकर के क्षति हुई है उसके बारे में अवगत कराया गया और भागलपुर जिले में नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कई स्थानों का टीम ने दौरा भी किया, देखा भी जो फसल क्षति हुई है या जो पुल पुलिया डैमेज हुआ है। तो हम लोगों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया और उनको बताया कि जो अभी फ्लड आया हुआ था उसके कारण किस तरह की क्षति हुई है। तो टीम सारी चीज़ों को देख करके समझ करके फिर राज्य के जो मुख्यालय है पटना वापस हुई है और फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। पोलिंग बूथ, पोलिंग पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टियों को पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराए जाने की बात करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिवहन विभाग के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। डीटीओ ने बताया कि इस बार पोलिंग पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टी दोनों का डिस्पैच प्रखंड स्तर से होना है, इसलिए प्रत्येक प्रखंडों में बूथ, पोलिंग और पेट्रोलिंग पार्टी की संख्या के अनुसार वाहनों का आकलन कर वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। जिले के साथ साथ सभी प्रखंडों में वाहन कोषांग का भी गठन कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि साथ ही साथ सभी प्रखंडों में नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है।
उद्योग विभाग की जमीन पर बुडको के द्वारा जल मीनार बनाने के काम को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने खुदाई कर मिट्टी बेचने का भी काम किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को चंपानगर स्थित अबीर मिश्रा लेन स्थित उद्योग विभाग के रंगाई केंद्र में मिट्टी खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि यहां जल मीनार बन रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यहां पर शीघ्र उद्योग बनवाने और यहां के बुनकरों को रोजगार देने की बात कही थी। वहीं बीच में फिर चार दिन कार्य बंद होने के बाद शनिवार को कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद जीएम ने खुद आकर त्वरित कार्य बंद करने को कहा और मिट्टी चोरी होने की बात पर FIR दर्ज कराने की बात कही। वहीं बुडको के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि विभाग से बात कर आगे का काम किया जाएगा, तब तक काम बंद कर दिया गया है। भागलपुर सुल्तानगंज की अब्जुगंज पंचायत में बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजा नहीं मिलने को लेकर CO और BDO का घेराव किया। इस दौरान CO शंभू शरण राय ने कहा कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं सभी लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। इस दौरान बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को अब तक बाढ़ राहत राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने बताया कि अब्जुगंज पंचायत को नगर परिषद से जोड़ दिया गया है। 2019 में अब्जुगंज पंचायत सुखाड़ घोषित था और अब 2021 में अब्जुगंज पंचायत बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होने के बाद बाढ़ पीड़ित मुआवजा को लेकर प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अब्जुगंज के अब नगर परिषद में चले जाने से इन लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिल रही है। बाढ़ पीड़ित नगर परिषद और प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं CO और BDO के आश्वासन के बाद बाढ़ पीड़ित वापस अपने घर लौट गए। भागलपुर के सुल्तानगंज में पंचायत चुनाव में इस बार सुल्तानगंज में 19,430 मतदाता वोट नहीं डालेंगे। अब यह लोग नगर निकाय के मतदाता बन गए हैं। इस बार सुल्तानगंज में 19 की जगह 18 पंचायतों में ही चुनाव होगा। अकबरनगर के नगर पंचायत बनने के बाद अब यहां पर पंचायत चुनाव नहीं होगा। चुनाव कर्मी राजेश कुमार ने बताया कि अब्जुगंज के वार्ड 1 से 8 तक नगर परिषद में शामिल होने के बाद नवादा नई पंचायत बनी है। यहां के 6 वार्डों में चुनाव होंगे। इस बार पंचायत में 1,75,676 मतदाता है। वर्ष 2016 में 1,95,106 मतदाता थे। अकबरनगर और अब्जुगंज में 1 से 8 वार्ड को नगर परिषद में शामिल होने के बाद इस बार 19,430 मतदाता कम हो गए हैं। अदालत में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ विभिन्न विभागों में मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पूरे देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूम्पा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में फौजदारी दीवानी और सुलहनिया मामलों जैसे बैंक टेलीफोन बिजली पानी की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादित किए जाने को लेकर व्यवस्था की गई है। सभी विभाग के अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मौजूद रहेंगे। डालसा की सचिव ने बताया कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक मामलों को निष्पादित किया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय कहलगांव और नौगछिया कोर्ट में अलग अलग बेंच की व्यवस्था की गई है। साथ ही रूम्पा कुमारी ने आम लोगों से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने की अपील भी की।